कंप्यूटर पर संक्षेप निबंध। लेट्स स्टार्ट। कंप्यूटर के आविष्कार ने बहुतों के सपनों को साकार किया है, यहाँ तक कि हम अपने जीवन की कल्पना बिना कंप्यूटर के नहीं कर सकते। सामान्यतः यह एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कई सारे उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे सूचनाओं को सुरक्षित रखना, ईमेल, मैसेजिंग, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, गणना, डेटा प्रोसेसिंग आदि। डेस्कटॉप कंप्यूटर को कार्य करने के लिए सीपीयू, यूपीएस, कीबोर्ड और माउस की जरूरत पड़ती है, जबकि लैपटॉप में ये सब कुछ पहले से ही मौजूद रहता है। बड़ी मेमोरी के साथ ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कोई भी डेटा को सुरक्षित रख सकता है। 21वीं सदी में कंप्यूटर की आधुनिक दुनिया में हम लोग जा रहे हैं। इससे पहले की पीढ़ियों के कंप्यूटर बेहद सीमित कार्य करते थे, जबकि आधुनिक समय के कंप्यूटर ढेर सारे कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। चार्ल्स बेबेज ने पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, जो आज के जमाने के कंप्यूटर से बहुत अलग था। कंप्यूटर के आविष्कार का लक्ष्य था एक ऐसी मशीन को उत्पन्न करना जो बहुत तेजी से गणितीय गणना कर सके। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुश्मनों के हथियारों की गति और दिशा का अनुमान तथा उनकी सही स्थिति का पता लगाना था। आज के कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक से युक्त हैं, जो जीवन के हर क्षेत्र में मदद करते हैं। नई पीढ़ी का कंप्यूटर अत्यधिक उन्नत होते हैं, अर्थात छोटे, हल्के, तेज और बहुत शक्तिशाली। आज के दिनों में इसका इस्तेमाल हर व्यवसाय में हो रहा है, जैसे परीक्षा, मौसम की भविष्यवाणी, शिक्षा, खरीदारी, ट्रैफिक नियंत्रण, उच्च स्तर की प्रोग्रामिंग, रेलवे टिकट बुकिंग, मेडिकल क्षेत्र, व्यापार आदि। इंटरनेट के साथ ये सूचना तकनीक का मुख्य आधार है और इसने साबित किया कि आज के समय में कुछ भी असंभव नहीं है। इंसानों के लिए कंप्यूटर के सैकड़ों फायदे हैं, तो साइबर अपराध, अश्लील वेबसाइट जैसे नुकसान भी शामिल हैं, जिसकी पहुंच हमारे बच्चों और विद्यार्थियों तक आसानी से हो जाती है। कुछ उपायों के द्वारा हम इसके नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं। आज मानव बिरादरी की कंप्यूटर तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ती जा रही है। कोई भी अपने जीवन की कल्पना बिना कंप्यूटर के नहीं कर सकता, क्योंकि इसने हर जगह अपने पैर पसार लिए हैं और लोग इसके आदि बन चुके हैं। ये किसी भी दर्जे के विद्यार्थी के फायदेमंद है। वो इसका इस्तेमाल प्रोजेक्ट बनाने के लिए, कविता सीखने के लिए, कहानियों के लिए, परीक्षा संबंधी नोट्स डाउनलोड करने के लिए, सूचना इकट्ठा करना आदि के लिए बेहद कम समय में कर सकते हैं। ये विद्यार्थियों के कौशल विकास में बढ़ोतरी के साथ नौकरी पाने में सहायक भी होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा निबंध कंप्यूटर पे। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।